सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल द्वारा सोमवार को क्षेत्र के किसानों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम अनुविभागीय अधिकारी राहुल चौहान को ज्ञापन सौंपा है। सरदारपुर तहसील में घोड़ा रोज रोजड़ा द्वारा किसानों की फसलों को पहुंचाए जा रहे नुकसान का उचित सर्वे कर किसानों को नष्ट फसल का मुआवजा प्रदान करने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि घोड़ा रोज रोजड़ा द्वारा फसलों को नष्ट किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा घोड़ा रोज रोजड़ा द्वारा पहुँचाए जा रहे नुकसान पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अपने आप को किसानों का बेटा कहने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को किसानों की कोई चिंता नहीं है। फसलों को नष्ट करने से किसान वर्ग आक्रोशित है। सरदारपुर से जगदीश मारू की रिपोर्ट। हमारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम से अनुविभागीय अधिकारी सरदारपुर के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है कि जो सरदारपुर क्षेत्र में के साथ साथ पूरे धार जिले में घोड़ा रोज के द्वारा जो किसानों की फसलों को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमने मध्य प्रदेश के सरकार से मुख्यमंत्री से मांग की है कि घोड़ा रोज को जो फसलों को नुकसान कर रहे हैं उसका किसानों का जो नुकसानी का भरपाई के लिए उचित सर्वे करवा करके उसका मुआवजा करें, मुआवजा दे सरकार किसानों को, और साथ ही सरदारपुर क्षेत्र से घोड़ा रोज को भगाया जाए, यही हमारी मांग है। अगर ये हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो विगत 15 दिन बाद में एक बड़ा आंदोलन करेंगे किसानों के साथ में सरदारपुर क्षेत्र के। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।